तो सुबह उठते ही हमने काम शुरू कर दिया है। हमने आज सबसे पहले खोला कीबोर्ड। कीबोर्ड की ये वाली पिन जो थी ये घिस गई थी अंदर से, देख रहे होंगे आप, गायब हो गई दो पिन। तो हमें जो था सोल्ड करना था, जब हमारे पास सोल्डिंग आयरन है तो हमें इसके तारों को हटाना है और इसको सोल्ड करना है। ये पूरा कीबोर्ड खोल रखा है, इसका वायर चेंज होगा। कभी कभार यही होता है कि कीबोर्ड फंक्शन करना बंद कर देते हैं, तो नया लेने से अच्छा उसको रिपेयर करने की कोशिश करो। अगर हो जाए तो वेल गुड, इससे आपका ई वेस्ट बचेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो बचेगा। तो इसको जो हमारे पास पुराने कीबोर्ड पड़े हैं उससे निकाल के इसको रिप्लेस कर देंगे वायर को। थोड़ा मेहनत भी करनी चाहिए, हर चीज में पैसा नहीं फूकना चाहिए। जो चीज आप सही कर सकते हो उसको सही करो, जो चीज रिप्लेस करनी है वो रिप्लेस करो। तो अभी हम इसको सही करेंगे क्योंकि हमारे पास है सोल्डिंग आयरन। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हम निकल रहे हैं पार्क, थोड़ी सी वॉक करेंगे। सुबह के हो रहे हैं 10:15, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सुबह से काफी काम निपटा लिया है, 6 बजे के उठे हैं, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। ये होती है भैंसबाजी। अब ये देखो, अब मैं निकालूंगा, अब ये ड्रामेबाजी शुरू करेगा। चलना वो जान के कर रहा है ना। बेचारा उम्मीद कर रहा था कि हम बहसबाजी करेंगे, हमने करी नहीं। फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर तेजी से निकल गया। तो ऐसे लड़के होते हैं कि जबरदस्ती इलझने की कोशिश करते हैं। आप इलझोगे तो मार पिटाई तो होगी, रॉड पड़ी हुई है, अच्छे से पुटता अगर कुछ करता, लेकिन हम जबरदस्ती अड़ने की नहीं सोचते कि क्यों जबरदस्ती अड़ा जाए। जबरदस्ती का भगाया पड़ा था। इस तरीके के जो लड़के होते हैं ना, वो जानबूझ के निकलते हैं कि किसी से अड़ने का मौका मिले और उससे फिर हम केस वगैरह करें, और फिर एक्सट्रॉशन जिसको कहेंगे कि केस करके फिर पैसे हड़पना, पुलिस केस करना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। गाड़ी के थे, सारी गाड़ी के शीशे काले हो गए और ये इलझते हैं आपसे चलते में। आप जिधर काटोगे उधर ही वो करने लगेंगे। तो अपना थोड़ी देर हल्के से स्लो डाउन और साइड से कट के निकल जाओ, यानी कि दूसरी तरफ निकल जाओ। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वरना फिर ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से इलझो और मारो कूटो। तो खैर, रोड रेज में नहीं पड़ना चाहिए, जितना हो सके अपने आपको सेफ होकर चलाओ, वक्त का कुछ नहीं पता। तो अभी हम आ गए हैं नोएडा, सेक्टर 18, मॉल ऑफ इंडिया। दो कट आगे बस, ऑलमोस्ट पहुंच गए। मिलते हैं अभी मॉल के अंदर। अभी हम आए हैं डीकैथलॉन मम्मी के साथ। फिर से अभी तो शॉपिंग कर ली है, अब निकल रहे हैं हम मॉल से। मदर को जैकेट दिलवानी थी, अनफॉर्चुनेटली जो साइज़ है वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब निकल रहे हैं हम बाहर, बाहर की रास्ता ढूंढ रहे हैं पार्किंग में से। खैर, मम्मी को मिल गए, हुडीज मिले, जैकेट नहीं मिली। तो मिल गया रास्ता।
अब दोनों में से जो जल्दी करेगा उस पर लिख लेंगे हम। आज सुबह से हम लगे पड़े थे इसकी सफाई में। आज हमने काफ़ी सारे जो पुराने मास्क हैं वो निकाले और घर की सफाई हो रही थी, थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर रहे थे। बुरी हालत, पुरानी दवाइयाँ, पुराने मसाले, सब चीज़ें, जो चीज़ें ख़राब हो गई उन सबको फेंका है। बुरी, इतना कचरा भी निकला है जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं सारे, ये ORS है, दवाइयाँ हैं, ये सारी ये दवाइयाँ हैं, सब चीज़ें ख़राब हो गई। घर बंद पड़ा था इसलिए इसके अंदर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बुरी हालत हुई हुई है। अभी इसको समेटते हैं और साथ में लगा रहे हैं रेड ट्रैप। माउस घुस गया है पता नहीं कहाँ से घर में, फर्श के अंदर से खोद के आ गया है, तो अब उसको पकड़ के हम मारेंगे। तो कल ये टूट गया हमारे छज्जे का थोड़ा सा प्लास्टर टूट के नीचे, ये पूरा जंग खा गया है। बुरी हालत हो रही है, यहाँ भी टाइल्स निकल रही है मेरी, ये बिल्डिंग नीचे बैठ रही है थोड़ा सा, यानी कि अप्स एंड डाउन हो रहा है, टाइल्स टूट रही है। तो अभी इसको करवाएंगे हम थोड़े दिन में रिपेयरिंग वर्क, देखते हैं कब होता है। ये होना है प्लास्टर, इसको पूरे को झड़वाया जाएगा, सरियों को सही से प्राइमर लगवा के फिर से करवाया जाएगा ताकि उनके अंदर जो जंग आ रहा है वो रुक जाए। देखते हैं घर पे जाके कीबोर्ड सही करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे फिर से, या कीबोर्ड सही करते हुए आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम कीबोर्ड सही कर रहे हैं। कारिस्तानी, इस बोर्ड का हमने वायर निकाल लिया है, ये कीबोर्ड पड़ा हुआ है और इसको हम कर रहे हैं अब सोल्ड। इसको हमें ब्लैक वाले को ग्रीन वाले पे करना है, ऊपर वाला हमने ग्रीन फिट कर दिया है, नीचे वाले को हटाना है। तो बस थोड़ी देर में हम इसको काम को कंप्लीट करके मिलते हैं आपसे।